हेलो एवरीवन, आज आपके लिए लेकर आया हूँ पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 की जो एक बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसे मैं बुक नंबर 1 बोल रहा हूँ। और इसी का चैप्टर नंबर 9 ग्लोबलाइजेशन के कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके लिए, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन। आपको बताना है ग्लोबलाइजेशन को लेकर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शंस आपके सामने हैं बच्चों। तो राइट आंसर है ग्लोबलाइजेशन इज ए मल्टी डायमेंशनल फेनोमेनॉन। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट जो है वो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट में हाईलाइट किया गया है कि ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है ये। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों राइट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन, यानी ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन अनइवन इन इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टेट्स एंड सोसाइटीज़। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आपको बताने हैं कि ग्लोबलाइजेशन के क्या कॉजेज हैं और इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है इनमें से। तो बच्चों राइट स्टेटमेंट है टेक्नोलॉजी इज़ एन इम्पॉर्टेंट कोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि टेक्नोलॉजी से ही जो है हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो पाए हैं, तो इसलिए टेक्नोलॉजी ही ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा रीज़न है। अब आपको बताना है विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन को लेकर कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, राइट है। सो द राइट आंसर इज अगेन ऑप्शन डी, ग्लोबलाइजेशन इज अबाउट वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस। और आपको पता ही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट ग्लोबलाइजेशन। आपको बताना है पांचवी स्टेटमेंट यानी क्वेश्चन जो है उसमें कौन सी स्टेटमेंट जो ग्लोबलाइजेशन को लेकर गलत है, रॉन्ग है। तो राइट ऑप्शन है आपका डी, क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर्ग्यू दैट इट विल रिजल्ट इन कल्चरल होमोजेनाइजेशन। तो ये बिल्कुल जो है हम कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन को लेकर एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज नॉट कन्फाइंड टू एनी पर्टिकुलर नेशन, जो है पर्टिकुलर नेशन से जो है कौन सा इनमें से राइट ऑप्शन आपको लगता है नहीं है। तो बच्चों अगर हम सभी ऑप्शंस को देखें, मलेरिया, फ्लू या अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो किसी भी कंट्री में हो सकते हैं, लेकिन बर्ड फ्लू एक ऐसा ऑप्शन है जो किसी पर्टिकुलर कंट्री में कन्फाइंड नहीं है, ये कहीं पर भी हो सकता है, इंग्लैंड में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, इंडिया में भी, कहीं पर भी, जैसे कि ऑलरेडी हम सुनते हैं हमेशा। तो बर्ड फ्लू जो है इट्स नॉट कन्फाइंड टू एनी पर्टिकुलर नेशन, सो द राइट ऑप्शन इज डी हेयर। और अब चलते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन में, जो आपका मैच द फॉलोइंग है, आपको इनको मैच करना है बच्चों। वैसे ऑप्शंस नीचे गिवन है, फिर भी मैं आपको आपके अकॉर्डिंग जो है राइट आंसर दूंगा। आप देखिए क्या ऑप्शंस आपको लगता है मैच हो सकते हैं। तो बच्चों अब आप अपने ऑप्शंस मैच कर सकते हो, जैसे लिबरलाइजेशन की अगर हम बात करें ये 1991 में आया था, और अगर WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग की बात करें जो 1999 में फर्स्ट WSF मीटिंग यानी वर्ल्ड सोशल फोरम की मीटिंग हुई थी पोर्टो अलेग्री में, ऐसी जो है आपने नंबर 4 ऑप्शन को भी मैच करना है। अब चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो यू कैन सी द क्वेश्चन हेयर एंड ऑप्शंस आपके सामने गिवन है बच्चों, आप ट्राई कीजिए मैच करने की और मैं आपको फिर आंसर दूंगा एक मिनट में। सो द राइट ऑप्शंस आर गिवन लाइक दिस। तो आप देखिए बच्चों अपने कलर के अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस को मैच कीजिए, सो योर आंसर्स आर वेरी क्लियर। लाइक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है तो ग्लोबलाइजेशन है, फ्लोज ऑफ वेरियस काइंड्स है तो वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस है, और ऐसी ही जो है वाइस वर्सा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शंस भी अकॉर्डिंग टू द कलर आप मैच कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब आपको बच्चों इन ब्लैंक्स को फिल करना है, यानी ग्लोबलाइजेशन इज अबाउट द फ्लोज ऑफ डैश फिर कैपिटल यानी मनी फिर डैश और पीपल। अब आपको दो ब्लैंक में
राइट आंसर फिल करने हैं, आपके पास ऑप्शंस गिवन नहीं होंगे। अगर आपको बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आता है तो यू विल हैव टू फिल योर सेल्फ। तो क्या लगता है आपको आंसर होना चाहिए? येस ऑफ कोर्स, द राइट आंसर इज आइडियाज एंड कमोडिटीज, जो आपको ब्लैंक के अंदर फिल करने हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। डैश एंड डैश हैव प्लेस्ड अ डिसाइसिव रोल इन द फ्लोज ऑफ आइडिया और लीडिंग टू ग्लोबलाइजेशन, यानी इन दो चीज़ों ने जो है काफ़ी हद तक एक रोल प्ले किया है आइडियाज़ की इस फ्लो में या फिर ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने में। तो आपको इन दो चीज़ों का नाम बताना है बच्चों। सो द राइट आंसर इज इंटरनेट एंड कंप्यूटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आपको बताना है इस ब्लैंक में क्या आएगा, जो कि एक पॉलिसी है बाय विच गवर्नमेंट इम्पोजिज हैवी कस्टम ड्यूटीज ऑन इम्पोर्टेड गुड्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स डोमेस्टिक मार्केट, यानी अपनी डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए बाहर की चीज़ों पे बहुत सारा जो है टैक्स लगा दिए जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस पॉलिसी को क्या कहते हैं? तो द राइट आंसर इज प्रोटेक्शनिज्म, द राइट आंसर इज प्रोटेक्शनिज्म। और अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर बच्चों 12 की तरफ। इसमें है सम इकोनॉमिस्ट हैव डिस्क्राइब्ड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एज डीकोलोनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो ट्रू और फॉल्स के ऑप्शन में ये बिल्कुल फॉल्स है, ये गलत है, इसलिए मैंने आपको जो है आंसर ऑलरेडी मेंशन कर दिया है इसमें, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। और इसमें है कल्चरल होमोजेनाइजेशन इज नॉट ए थ्रेट टू आवर ओन ट्रेडिशनल फूड चॉइसेस, ट्रू और फॉल्स? आपको बताना है ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है, कि जो कल्चरल होमोजेनाइजेशन है वो हमारे ट्रेडिशनल फूड चॉइसेस के लिए कोई खतरा नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है? तो द राइट आंसर इज ट्रू। उसका रीजन क्या है कि ये हमारी चॉइसेस को बढ़ाती है ना कि कम करती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द वेलफेयर फंक्शन ऑफ द स्टेट हैव बिकम मल्टीपल ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ट्रू और फॉल्स? यानी जो फंक्शंस हैं स्टेट के वे और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ये सही है या गलत है? तो आपको बताना है बच्चों ट्रू और फॉल्स। तो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ड्यू टू इन्हांस्ड टेक्नोलॉजी द स्टेट हैज बेटर कंट्रोल ओवर इट्स सिटीजन्स, ट्रू और फॉल्स? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है और हम कह सकते हैं स्टेट का रोल काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलेबल है अपने सिटीजन्स के ऊपर, तो आई थिंक सो। अगर वीडियो आपने मेरे देखे होंगे हिंदी एक्सप्लेनेशन में तो आपको आंसर मिलेगा येस ऑफ कोर्स इट्स ट्रू आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इन 1919 इंडिया इम्बार्क्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ रेगुलराइजेशन ऑफ वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ट्रू और फॉल्स? तो बच्चों आपको स्टेटमेंट को एक बार फिर से अच्छे से पढ़ना है कि क्या आपको लगता है ऐसा हुआ था कि जो स्टेट है उन्होंने, इंडिया है, उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को रेगुलराइजेशन के वेरियस सेक्टर्स के इंक्लूडिंग ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो है किया था, कुछ स्टार्ट किया था ऐसा, ट्रू और फॉल्स? तो बच्चों ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब चलते हैं कि ये कुछ इवेंट्स मेंशन है, आपको इनको इनकी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लगाना है, तो ट्राई कीजिए। वैसे आंसर मैं ऑलरेडी आपको शो कर दिए हैं, तो इसमें राइट आंसर होना चाहिए जो सबसे पहले आएगा डी ऑप्शन, इकोनॉमिक रिफॉर्म जो कि 1991 में हुए थे। उसके बाद ए ऑप्शन आएगा जो 2001 में हुआ था, यानी फर्स्ट मीटिंग ऑफ WSF यानी वर्ल्ड सोशल फोरम की मीटिंग। फिर उसके बाद हुआ 2004 में फोर्थ मीटिंग ऑफ WSF जो मुंबई में हुई थी, और जो लेटेस्ट मीटिंग हुई थी WSF की वो कनाडा में हुई थी 2016 में। तो अब बच्चों कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस की बने। व्हाट इज MNC? MNC क्या होती है? मल्टीनेशनल कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 19 है विच आर फोर डिफरेंट फ्लोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो वो फ्लो ऑफ आइडियाज है, फ्लो ऑफ कैपिटल, और उसके बाद फ्लो ऑफ कमोडिटीज एंड फ्लो ऑफ पीपल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। डिस्क्राइब एनी वन इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन का एक इकोनॉमिक जो है परिणाम वो बताना है आपने। तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है, ट्रेड जो है डिफरेंट कमोडिटीज का पूरे वर्ल्ड में बढ़ा दिया है। और 21 क्वेश्चन है स्टेट एनी वन क्रिटिसिज्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो जो हम कह सकते हैं लेफ्टिस्ट वो क्या कहते हैं कि कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन जो रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म दैट मेक्स अ रिच हायर
एंड द पुअर पुअरर, यानी रिच तो और रिच होते जाएंगे और गरीब होते जाएंगे। तो बच्चों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं स्टॉप करूंगा। आई होप सो दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी अ ग्रेट हेल्प टू यू। सो थैंक यू रियली वेरी मच फॉर वॉचिंग तरह सर क्लासेस एंड हैव अ नाइस डे।